स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है एक्यूट एब्डोमेन। एक्यूट एब्डोमेन जो कि एक सीवियर पेन होता है एब्डोमेन का, एक्यूट एब्डोमेन इज एन एब्नॉर्मल कंडीशन होती है इन विच देयर इज ए सडन एंड एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ सीवियर एब्डोमेनल पेन लास्टिंग फॉर 3 to 1 hours और मोर। इट इज आल्सो नाउन एज सर्जिकल एब्डोमेन। कई रीज़न होते हैं इसमें एक्यूट एब्डोमेन के, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, हाइपरबिलरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम से, हम स्टेप बाय स्टेप फिर पढ़ेंगे। एन एक्यूट एब्डोमेन डिनोट्स एनी सडन स्पॉन्टेनियस नॉन ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हुज चीफ मैनिफेस्टेशन इन द एब्डोमिनल एरिया फॉर विच अर्जेंट ऑपरेशन में बी नेसेसरी बिकॉज देयर इज फ्रीक्वेंटली ए प्रोग्रेसिव अंडरलाइन इंट्रा एब्डोमिनल डिसऑर्डर अनड्यू डिले इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एडवर्सली इफेक्ट आउटकम। नेक्स्ट, द अप्रोच टू ए पेशेंट विद एन एक्यूट एब्डोमेन मस्ट बी ऑर्डरली एंड थ्रो। एन एक्यूट एब्डोमेन मस्ट बी सस्पेक्टेड इवन इफ द पेशेंट हैज ओनली माइल्ड और टिपिकल कंप्लेंट्स। द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन शुड सजेस्ट द प्रोबेबल कॉज एंड गाइड टू चॉइस ऑफ इनिशियल डायग्नोस्टिक स्टडी। द क्लिनिकल मस्ट देन decide if in the hospital observation is warranted in abdo additional tests are needed in early operation is indicated or common cause of the acute abdominal gastrointestinal tract disorder jaise ki non specific abdominal pain appendicitis small and large bowel obstruction perforated peptic ulcer in created hernia bowel perforation macle diverticulitis serratus behavior syndrome diverticulitis, inflammatory bowel disorder, Mallory West syndrome, gastroenteritis, acute gastritis, mesenteric adenitis and parasitic infections. दूसरा liver और spleen and biliary tract disorder जैसे कि acute cholecystitis, acute cholangitis, hepatic abscess, rupture hepatic tumor, spontaneous rupture of the spleen, स्प्लेनिक इन्फेक्ट, बाइलरी कोलिक, एक्यूट हेपेटाइटिस, पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, यूरिन ट्रैक्ट डिसऑर्डर, यूरिनरी कोलिक, एक्यूट पोलियोनेफ्राइटिस, एक्यूट सिस्टाइटिस, रीनल इन्फेक्ट, गायनोकोलॉजिक डिसऑर्डर, रैप्चर्ड इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्विस्टेड ओवेरियन ट्यूमर, रैप्चर ओवेरियन फोलिकल सिस्ट, एक्यूट साल्पिंगटाइटिस, डिस्मेनोरिया, एंडोमेट्रियस, वैस्कुलर डिसऑर्डर, रैप्चर aortic and visceral aneurysms, acute ischemic colitis, mesenteric thrombosis, peritoneal disorder, intra-abdominal abscess, primary peritonitis, tuberculosis peritonitis, retroperitoneal disorder, retroperitoneal hemorrhage, sensory level associated with visceral structure is a liver, spleen and central part of diaphragm, in phrenic nerve, nerve system pathway, C3 cervical C3 to 5, पेरिफेरल डायफ्राम, स्टोमक, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर एंड स्मॉल बाउल, सीलिक प्लेक्सस एंड ग्रेटर स्पेंडिक नर्व, थोरेसिक 6 to 9, अपेंडिक्स, कोलन, पेल्विक, विसरा, मेसेंट्रिक प्लेक्सस 9 to 11 एंड लेजर स्पेंडिंग नर्व। हिस्ट्री एब्डोमिनल पेन, लोकेशन ऑफ पेन, विसरल पेन, पहला इज दे एलिटेड एंड डिस्टेंशन बाय इन्फ्लामेशन ऑफ इसीमिया स्टिमुलेटिंग द रिसेप्टर न्यूरॉन्स और बाय डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एग्जाम्पल मैग्नेट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सेंसरी नर्व। द सेंट्रली परसीव सेंसेशन इज जनरली स्लो ऑल्सो डल पोअरली लोकलाइज एंड प्रोट्रैक्टेड। पेरीनेट्रल इज मेडिकेटेड बाय बोथ सी एंड ए डेल्टा नर्व फाइबर्स द लेटर बींग रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन और मोर एक्यूट शार्पर बटर लोकलाइज पेन सेंसेशन। डायरेक्ट इरीटेशन ऑफ द सोमेटिकली इरीवेटेड पेरिटल पेरिटोनियम स्पेशली द एंटीरियर एंड अपर पार्ट बाईपास बाइल यूरिन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीक्रेशन लीड्स टू ए मोर प्रीसियसली लोकलाइज पेन। रेफर्ड पेन डोनेट्स नॉक्सन यूजली कुटेनियस सेंसेशन परसीव एट ए साइड डाइस्टेंट फ्रॉम दैट यू स्ट्रॉन्ग प्राइमरी स्प्रेडिंग और शिफ्टिंग पेन। Analyze the course of the underlying condition. The site of the pain onset should be disguised for the site of presentation. Mode of onset and progression of pain. The mode of onset pain reflects the neutral severity, the inciting process onset by expulsing
selector of pain, the natural severity and periodically pain of provide useful clues of the underlying cause. Sore superficial constant pain due to severe peritoneal irritation. Typical and perform ulcer, ruptured appendix, ovarian cyst and ectopic pregnancy. Next, the gripping mounting pain of small bowel obstruction and occasionally early pancreatitis is usually intermediate, vague, deep-seated and crescendo at first but soon becomes sharper, untreating and better localized. Third, unlike than the discontinuing bed aerial variable, pain associated with bowel obstruction, pain caused by lesions, occluding smaller condition, bile ducts, urinary tubes and ureters, repeatedly becomes unbearably intense, colic, if there are pain-free intervals that reflect intermittent smooth muscle contractions as a ureteral colic. Biliary colic is misnomer because biliary pain does not remit. The reason of that is gallbladder and bile duct, it contrasts with ureters or intestine, do not have peristaltic movement. The etching discomfort of the ulcer pain, the stabbing, breath-taking pain of acute pancreatitis and mesenteric infarctions, the searing pain of the ruptured aortic aneurysms. Despite the use of such descriptive terms, the quality of visceral pain is a not reliable clue of the cause. Gas stoppage sign. An occasional patient will deny pain but complain of the value feeding abdominal fullness that fills the throat might to relieved by a bowel movement. It is due to reflex issue include induced by inflammatory lesions, word of from the pre-perineal cavity as the retrocheal and retrolean appendicitis. Factor that aggravate or relieve pain. Pain caused by localized peritonitis, especially when the effect upper abdominal organs tends to be exacerbated by movement and deep breathing. Other symptoms associated with the vomiting. When sufficiently stimulated by secondary visceral afferent fibers, the moderately vomiting center activated afferent fiber to induce reflex vomiting. Hence, when the acute surgical abdomen usually proceeds vomiting, whereas the reverse holds the two medical conditions. Next, the absence of the bile, the vomitus in the future of biliary stenosis, where the findings suggest bowel obstruction. The onset and character by vomiting may be indicated level of lesion. Severe contralateral retching provide temporary pain relief and moderate attack of pancreatitis. The absence of bile, the vomits, a feature of the pyloric stenosis, where the acid with finding suggests bowel obstruction. The onset of character vomiting may be indicated level of lesion. Constipation. Reflex ileus often is induced by visceral efferent fibers stimulating efferent fibers of symptomatic autonomic nervous system, expansionic nerve to reduce intestinal paralysis, hence parietal ileus undermines the value of constipation in the differential diagnosis of the acute abdomen. Constipation itself is hardly an absolute indicator of intestinal obstruction. However, the diarrhea. Copious watery diarrhea is a characteristic of gastroenteritis and other medical cause of acute abdomen. Blood stain diarrhea suggests ulcerative colitis, Crohn's disease, and biliary and amoebic dysentery. It can also cause ischemic colitis, but often absent is intestinal infarction due to superior mesenteric artery occasions. Other specific symptoms: jaundice suggests hepatomobility disorder, hematochezia or hematemesis, a gastroduodenum lesion and Mallory-Weiss syndrome, hematuria, urinal colic and cystitis. The passage of blood clots, necrotic mucosal debris may be sole evidence of advanced intestinal ischemia. Other relevant aspect of history: gynecological history, drug history. Gynecological menstrual history is crucial to the diagnosis of ectopic pregnancy, menstrual ischemia due to rupture of ovarian follicle and endometriosis. ST vaginal discharge of dysmenorrhea may donate pelvic inflammatory disease. Drug history: anticoagulants have been impact of retroperitoneal and intramural duodenum and jejunum vomitomas. Oral contraceptives have been implicated in the formation of benign hepatic adenomas and mesenteric venous infarction.
कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज पार्टिकुलर मे बी मास्क क्लिनिकल साइन ऑफ इवन एडवांस पेरिटोनाइटिस. पाइलोरिक परफोरेशन हैज बीन कॉज बाय क्रैक्स. फैमिली हिस्ट्री ऑफ्टन प्रीवियस बेस्ट इंफॉर्मेशन मेडिकल कॉज ऑफ एक्यूट एब्डोमेन. ट्रेवल हिस्ट्री मे बी राइज ऑफ पॉसिबिलिटी एम बी बी लिवर एब्सेस हाइडिक सिस्ट मलेरिया स्प्लीन ट्यूबरकुलोसिस मलेरियल स्प्लीन ट्यूबरकुलोसिस साल्मोनेला टाइप की इन्फेक्शन बाय अदर एंड एरिया डिसेंट्री. ऑपरेशन हिस्ट्री एनी हिस्ट्री प्रीवियस एब्डोमिनल ग्रोइन वास्कुलर थोरेसिक ऑपरेशन मे बी रिलेटेड करंट पार्टिकुलर अटेंशन ऑफ द मोड इज ए लैप्रोस्कोपिक एंडोवेस्कुलर एंड एटोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन मे बी क्लियर बाई एस्पेक्ट ऑफ द करंट कंप्लेंट फिजिकल एग्जामिनेशन. द टेंडेंसी ऑफ कॉन्सेंट ऑन द एब्डोमेन शुड बी रेसिस्ट फीवर ऑफ द मेथोडिकल एंड कंप्लीट जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. ए सिम्टम अप्रोच एब्डोमिनल एग्जामिनेशन वन शुड सर्च ए स्पेसिफिक साइन ऑफ द कन्फर्म रूल ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक्स पॉसिबिलिटीज. जनरल ऑब्जर्वेशन एफर्ट मे बी फेयरली रिलीवेबल इंडिकेशन ऑफ सीवियरिटी ऑफ द क्लिनिकल सिचुएशन. द राइटिंग ऑफ पेशेंट विद विसरल पेन एग्जाम्पल इंटेस्टाइन यूरिट्रल कोलिक कॉन्ट्रास्ट विद द रिपीटली मोटिनेस वेयरिंग दोज इज ए पेरिटल पेन एग्जाम्पल एक्यूट अपेंडिसाइटिस जनरलाइज एपेंडिसाइटिस डिमिस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एन एक्यूट अल्ट्रेट. सिस्टमेटिक साइन यूजली एकोमली रेपिडली प्रोग्रेसिव और एडवांस डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एन एक्यूट एब्डोमेन एक्सट्रीम पेलर हाइपोथर्मिया टैकीकार्डिया टैकीपनिया एंड स्वेटिंग सच एज मेजर इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज. एग्जाम्पल रैप्चर्ड एरोटिक एनिडिज्म और ट्यूबल प्रेगनेंसी. कॉन्स्टेंस लो ग्रेड फीवर कॉमन इन्फ्लामेटरी कंडीशन डायवर्कुलाइटिस एक्यूट कोलेस्टाइटिस एंड एपेंडिसाइटिस. हाई फीवर विद लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस इन यंग वुमेन विदाउट साइन सिस्टम इलनेस सच एज एक्यूट साल्पिंजाइटिस. डिसोर्वेशन एंड एक्सट्रीम लेथार्जी कॉम्बैट विद ए वेरी हाई फीवर अबाउ 39 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्वेलिंग फीवर ऑफ द सिल्स रीजर सिग्निफिकेंट इम्पेडिंग सेप्टिक शॉक. दिस इज द मोस्ट ऑफन ड्यू टू एडवांस पेरिटोनाइटिस एक्यूट कोलेंजाइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस. हाउ यूर फीवर एम द पर्सन ऑलरेडी क्रॉनिकली इल इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स विद ए सीरियस एक्यूट एब्डोमेन. एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूट एब्डोमेन इन्फेक्शन डायबिटीज शुड बी थ्रोली इंस्पेक्ट बिफोर द पल्पेशन. द टेंडेंसी डिस्टेंशन एब्डोमेन द ओल्ड सर्जिकल स्कार सजेस्ट द बोथ पेशेंट्स एंड कॉज ऑफ एडिशन ऑफ द स्मॉल बोल ऑब्स्ट्रक्शन. द स्कैल्प कॉन्टैक्ट एब्डोमेन इज विद ए परफोर्ड अल्सर विजिबल पेरेसिस अकर विद पेशेंट इन द एडवांस बोल ऑब्स्ट्रक्शन. ऑस्कल्टेशन इज द एब्डोमेन शुड बी प्रीसेड पल्पेशन. पेरिस्टाल्टिक रेसेस सिंक्रोनस विद कोलिक आर हार्ड इन द माइंड टू स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन एंड अर्ली एक्यूट पैनक्रियाटिस. दे डिफर फ्रॉम द हाई पिच हाइपर पेरिस्टाल्टिक साउंड अल्टरेटेड टू द क्रैम्पी पेन गैस्ट्रोएंटेराइटिस डिसेंट्री एंड फुलमिनेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस. एन एब्डोमिन दैट इज साइलेंट एक्सपर्ट फॉर एब्डोमिन पेन कफिंग टू इलिसिट पेन. द पेशेंट शुड बी आस्क कफ एंड पॉइंट ऑफ द एरिया मेजरिंग पेन. पेरिटोनियल इरिटेशन शुड बी डेमोंस्ट्रेटेड मे बी कन्फर्म्ड afterward without a causing necessary pain. The reason testing for the rebound tenderness unlike the partial pain of peritonitis colic visceral pain and seldom aggravated by deep inflammation or coughing. Percussion server of several purpose. Tenderness a percussion aching alerting about tenderness both reflect peritoneal irritation a peritoneal pain with performed viscous free air accumulating under the diaphragm may be affect normal liver dullness temporally near middle of the distension abdominal denotes air trapped within a distension bowel loops. Palpations performed with the patient resting comfortable supine position guarding assist placing of the hands abdominal muscles depress fingers gently. If there is a voluntary spasm the muscle will be felt the relaxed behind the patient's inhales deeply through the mouth with the true involuntary spasm. However, the muscles will be remain taut and rigid for dyke throughout respiration. Expect the rare neurological disorder and unknown reasons. During colic, only peritoneal inflammation by reflex that the elimination difference of the motor fiber produces. Tenderness that may cannot localize
पेरिटोनियल इन्फ्लामेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द पेशेंट विद द एक्यूट एब्डोमेन इट्स एक्सटेंड सीवीटी डिटरमाइंड फर्स्ट ऑफ द वन और टू फिंगर पल्पेशन बिगिनिंग अवे एरियर कफ टेंडरनेस ग्रेजुअली एडवांस टुवर्ड इट टेंडरनेस इज यूजुअली वेल डिमर्सल इज द एक्यूट कोलेस्टासिस एपेंडिसाइटिस डेवराइटिस एंड एक्यूट सल्पिनाइटिस इफ देयर इज पूरली लोकलाइज्ड टेंडरनेस अनकॉम्पनेट बाय गार्डिंग वन शुड बी सस्पेक्ट गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड सम अंडर इन्फ्लेमेटरी इंटेस्टाइनल प्रोसेस विदाउट पेरिटोनाइटिस कंपेयर्ड विद द डिग्री पेन अनएक्सपेक्टेडली लिटल एंड ओनली वेरी टेंडरनेस एलिसिटेड एंड अनकॉम्प्लिकेटेड होलो वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन वॉल ऑफ द डीप सीटेड कार्डिनल टेस्ट व्हेन द पेशेंट लाइज़ ऑफ द हार्ट द बेड एग्जामिनेशन टेबल द एब्डोमेन मसल्स विल बी टेंस टेंडरनेस पेरिस्टेटिक एब्डोमेन वॉल कंडीशन एग्जाम्पल ट्रैक्टस हेमाटोमा वेरियस डीपर पेरिटोनियल पेन ड्यू टू इंट्रा डेफिसिट डिजीज ऑफ लिगेंड्स हाइपरथैलेमिया हाइपरथैलेमिया मे बी डेमोस्ट्रेबल एब्डोमिनल वॉल डिसऑर्डर लोकलाइज्ड पेरिटोनाइटिस बट इज द मोर प्रोमिनेंट हार्पस जोस्टर स्पाइनल रूट कंप्रेशन एंड अदर न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स ट्रिगर पॉइंट सेंसिटिव लेटरल कोस्टल ट्रिप टिप एब्डोमिनल मासेस और द यूजुअल डिटेक्टर ऑफ डीप पल्पेशन सुपरफिशियल लिजन ऑफ गॉलब्लैडर एपेंडिशियल एब्सेस ऑफ द लिंडर ऑफ द डिस्लेट मर्फी साइन इफ द वन सस्पेक्ट एब्डोमिनल गार्डिंग मास्किंग एक्यूटली इन्फ्लामिंग गॉलब्लैडर राइट सेप्टल एरिया शुड बी पल्पेटेड विल द पेशेंट इनहेंस डीपली इंस्पायरेशन विल बी अरेस्टेड इरेप्टली द पेन मर्फी साइन और गॉलब्लैडर फंडस मे बी फेल्ड स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन फिंगर ड्यूरिंग डिसेंट ऑफ द डायफ्राम द डीपर मासेज मे बी एडहेंट टू द पोस्टीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल एंड आफ्टर ऑफ्टन द वॉल इफ द मास कैन नॉट बी डायरेक्टली फेल्ड विल बी ऑब्वियस साइन ऑब्टूरेटेड साइन बम टेंडरनेस इंग्यूनल एंड फ्यूमरल रिंग्स मेल जेनेटियल रेक्टल एग्जामिनेशन एंड पेल्विक एग्जामिनेशन इंग्यूनल एंड फ्यूमरल रिंग्स एक्सपेक्ट द जेनेटियल एंड मेल पेशेंट शुड बी एग्जामिन नेक्स्ट रेक्टल एग्जामिनेशन पेल्विक एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेटिव स्टडीज द हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन देमसेल्फ प्रोवाइड डायग्नोसिस टू थर्ड केसेस ऑफ एब्डोमिनल सप्लीमेंट लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजी एग्जामिनेशन विद सर्जिकल कंडीशन मेडिकल कॉज ऑर्डिनेटली नॉट ट्रीटेड ऑपरेशन असिस्टेड प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन टेस्ट रिजल्ट मस्ट बी इंटरव्यूड विद द क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट ईच वन बेसिक स्टडी ब्लड यूरिन स्टूल रेडियोग्राफी सोनोग्राफी लैब्रोडी ब्लड स्टेसिस हीमोग्लोबिन हीमोटोक्रिट एंड वाइल्ड ब्लड सेल्स एंड डिफरेंट काउंट्स टेकन एडमिशन हाईली इंटरव्यूड दैन नेक्स्ट ब्लड क्रॉसिंग क्रॉस मैचिंग सीरम न्यूक्लियोटाइड यूरिया नाइट्रोजन यूरिटिन आर्टेरियल ब्लड गैस एंड सीरम एमएलएज लिवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी क्लॉटिंग स्टडीज बीटी सीटी एंड इरिथ्रोसाइट सेडिमिनेशन रेट एंड एंटीबॉडी टीटर्स यूरिन टेस्ट में डार्क यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी रिफ्लेक्स डिहाइड्रेशन द पेशेंट विद नॉर्मल रीनल फंक्शन हाइपरबिलिरुबिनेमिया माइक्रोस्कोपिक हेमेटूरिया पायूरिया एंड डिपस्टिक टेस्टिंग एंड प्रेगनेंसी टेस्ट स्टूल टेस्ट अकल फ्यूकल ब्लड पॉजिटिव टेस्ट पॉइंट टू बी म्यूकल रीजन वार्म स्टूल स्मेयर फॉर बैक्टीरिया एनिमल पैरासाइट्स मे बी डेमोस्ट्रेट एमबीबी दैन कल्चर स्टूल कल्चर कैन बी टेकन पेशेंट सस्पेक्टेड गैस्ट्रोएंटेराइटिस डिसेंट्री इमेजिंग स्टडीज एक्सरेस टेस्ट स्टडीज पैन एब्डोमिन टेस्ट स्टडी बायोलॉजी एंड डिजाइनेशन एंजियोग्राफी परक्यूशन इन्वेसिव एंजियोग्राफी स्टडीज इमेजिंग रिस्पॉन्स एंजियोग्राफी MRA आर इंडिकेटेड द इंट्रा एब्डोमिनल डिस्टेंस इसीमिया ऑन गोइंग हेमरेज इन द सस्पेक्टेड दे स्टडीज विद प्रसूट बी द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉन्ट्रास्ट स्टडी माइट टू ऑब्जर्व द इंटरप्रिटेशन सेलेक्टिव विजुअल एंजियोग्राफी इज द रीजनेबल मेथड ऑफ चूजिंग डायग्नोसिस मिशनरी इंफॉर्मेशन एमरजेंसी एंजियोग्राफी मे बी कन्फर्म रैप्चर इज द एडिनो कार्सिनोमा एनियोसिम स्पेसिफिक आर्टरी विद द विजुअल आर्टरी इन पेशेंट्स विद द मैसिव लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एंजियोग्राफी मे बी डेंसिटी ब्लीडिंग साइट सजेस्ट लाइकली डायग्नोस एग्जाम्पल वैस्कुलर एक्टेसिया पोलियोडाइटिस नोडोसा मे बी इवन बट थेरेप्यूटिक इन इम्बोलाइजेशन कैन बी परफॉर्म गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉन्ट्रास्ट एक्सरे स्टडी शुड नॉट रिक्वेस्ट रूटीनली आर नॉट रिगार्डेड स्क्रीनिंग
परफेक्ट ओपन इसोफेगस और गैस्ट्रो ड्यूडेनम एरिया विदाउट निमोनिया निमोपेरिटोनियम इफ देयर क्लिनिकल एविडेंस बोवल ओनली देयर विल लाइकलीहुड ए बॉल बोवल ऑब्स्ट्रक्शन द एमरजेंसी इंट्रावेनस यूरोग्राम एंड अल्ट्रासोनोग्राफी सी टी स्कैन रेडी रेडियो न्यूक्लियो न्यूक्लाइड स्कैन द अर्जेंट एमरजेंट सी टी स्कैन द एब्डोमेन स्कैन्स रूटीनली दैट रैपिडली अवेलेबल द रेडियो न्यूक्लिंग स्कैन्स एंडोस्कोपी प्रोक्टोसिग्नोस्कोपी कोलोनोस्कोपी गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी एंड एंडोस्कोपिक रेट्रो कलेंजियो कलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी पैरासिंथेसिस इन पेशेंट विद द फील्ड पेरिटोनियल फ्लूइड एस्पिरेशन ब्लड बाइल बोवल कंटेंट स्ट्रॉन्ग इंडिकेटेड अर्जेंट लैप्रोटोमी ऑन द हैंड इन्फेक्टेड एसआईटी मे बी सम डायग्नोसिस स्पॉन्टेनियस बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस पेरिटोनाइटिस एसआईटी एंड यूजुअली रिक्वायर्ड सर्जरी फूडोसिंथेसिस मे बी यूजफुल ऑफ सस्पेक्टेड रैप्चर क्रॉप ऑफ ल्यूटोसाइट पेरिटोनियम साइटोटोमी ऑब्टेंड बाय डायरेक्ट थ्रू द कैथेटर डायग्नोस्टिक पेरिटोनियम लेवाज मे बी डिस्क्लोज ट्यूमर ऑफ द एक्यूट इंट्राएब्डोमिनल इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स लैप्रोस्कोपी लैप्रोस्कोपी नाउ ए थेरापेटिक वेल एज डायग्नोस्टिक मोडलिटी इन यंग द वुमेन वो ऑफ द डिस्गाइज नॉन सर्जिकल प्रॉब्लम रैप्चर द ग्राफियन फोलिकल पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ट्यूबो ओवेरियन सिस्ट एंड नॉन अपेंडिक्स इन ऑब्टेंड एल्डरली और क्रिटिकली इल पेशेंट हु ऑफ्टन हैव ए डिसेप्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एक्यूट एब्डोमेन इट मे बी फैसिलिटेट अर्लियर ट्रीटमेंट इन द डोज विद पॉजिटिव फाइंडिंग विल eliminating the added motility and laparotomy is negative cases. different diagnosis the age gender male to patient help the different diagnosis first if any patients with the acute abdomen the peristalting over 6 hours should be regarded as a surgical problem required in hospital elimination second acute colitis appendicitis bowel obstruction cancer and acute vasculitic condition third acute appendix and intestinal obstruction fourth salpingitis, dysmenorrhea, ovarian lesion and urinary tract infection. Fifth, intestinal obstruction. Sixth, already cardiac patient, medical cause of acute abdomen. Next, a medical cause of acute abdomen pain with surgical is not indicated. Uremia, diabetic crisis, addiction crisis, acute intermediate problem, acute hyperproteinemia, hereditary midterm fever. Sickle cell crisis, acute leukemia, hepatological may, toxins and drugs may lead to other may heavy metal poisoning and narcotic withdrawal. Indication of surgical obstruction, physical finding, involuntary guarding, regurgitation, especially of spreading, increasing the cerebral located tenderness, tends to progressive distension, tender abdominal rectal mass of the with high fever of respiration, rectal bleeding with shock of respiration, vocal abdominal finding of the along septicemia, high fever, marked rising leukocytes, mental changes, the increased intolerance in the diabetic patients, bleeding unexpected stroke of acidosis, feeling hematocrit, suspected ischemia, acidosis, fever and tachycardia. The lifestyle policy of explorations is the advisable is patient with the inconclusive but persistent right lower of quadrant tenderness. Pain is the left upper quadrant infrequently requires urgent laparotomy. It is caused and usually wait confirmed study. Reoperative management after the assessment. It moderate doses, analgesic, neither obstruction, useful physical finding, mask their subsequent development, and the persist spite of the adequate doses. Narcotics suggest serious condition of requiring operation, correction, decolonization medications. A nasogastric tube, a urinary catheter, informed consult. Thanks.